नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सीआईए स्टाफ की पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया काबू। 2 पिस्तौल, 32 बोर, 10 जिंदा कारतूस और एक गाड़ी की बरामद। जालंधर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को किया काबू। 510 ग्राम हेरोइन, एक रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। सीआईए स्टाफ की पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि आरोपियों की पहचान संजीव सिंह निवासी गांव मुगलचक, असीस मसीह निवासी गांव सोडियां, नरेंद्र सिंह निवासी मलियां और जयदीप के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि ये गिरोह गाड़ियों की चैसी बदलकर नकली आरसी बनाकर बेचने का काम भी करता है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टाफ के प्रभारी इंद्रजीत सिंह व उनकी टीम ने आरोपियों को डीएवी कॉलेज के पुल के नजदीक नाकाबंदी के दौरान स्विफ्ट गाड़ी सहित काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 32 बोर के पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इस गिरोह में महकदीप सिंह नामक एक और युवक भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर पुलिस कमिश्नरेट दे विच एक असी 10 जुलाई नूं जिहड़ा एक केस ट्रेस कीता। साढ़े सीआईए इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह समेत पुलिस पार्टी वर्कशॉप चौंक जालंधर दे विच मौजूद सी, तां उत्थे उन्हां दे कोल सीक्रेट इनफॉर्मेशन रिसीव हुंदी है कि कुछ व्यक्ति जिहड़े हैगे आ, जिन्हां दे विच जिहड़ा एक संजीव सिंह, एक असीस मसीह नाम का मुंडा, तो इस जोड़े है होर एक नरविंदर सिंह, एक जयदीप, तो इन्होंने कुछ होर व्यक्ति भी ने जिन्होंने एक कार चोरी कर एक गैंग बनाया। तो यह जिहड़ियां वख वख थावां तों गड्डियां जिहड़ियां ने चोरी करते हैं, चोरी करके हरियाणा में भी चोरी करते हैं, पंजाब में भी करते हैं, तो यह अंतरराजी जिहड़ा इन्हां दा एक गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। जिहड़ियां चोरी कीतियां गड्डियां ने अगे जाके डिस्पोज ऑफ कर देने, किसी नूं अगे जाके वेच देने हैं, एंड उन्हां दे इंजन नंबर, चैसी नंबर इन्हां वल्लों टैंपर कीते जांदे आ। तां इस लड़ी दे विच जिहड़ा हैगा कि इस डिवीजन नंबर 2 दे विच मुकदमा जिहड़ा हैगा 94 नंबर मुकदमा, जिहदे विच अंडर सैक्शन 379, 380, 420, 465, 467 ए जिहड़ियां रेलेवेंट सैक्शनज हैगी, 471, 482, इन्हां दे तहत दर्ज किया गया। एंड 25 आर्म्स एक्ट, असला एक्ट, क्योंकि इन्हां दे मुखबरी दे विच सी कि इन्हां दे पास जिहड़ा हैगा, इन्हां दे कोल जायज़ जां नजायज़ असला भी हैगा, तां ओह रेलेवेंट सैक्शनज जिहड़ियां लाईआं गईआं। उस तों बाद दौरानी नाकाबंदी जिहड़ी हैगी, इन्हां नूं डीएवी कॉलेज की साइड तो एक जी है वाइट कलर की स्विफ्ट कार सी, इन्हों नाकाबंदी से रोक के इन्हों गिरफ़्तार किया गया, जिन्हों के संजीव जी जो तलाशी की गई तो वो डब्बे एक 32 बोर का पिस्टल प्लस जेडे 5 लाइव कार्टेज रिकवर हुए। इस तरीके जोड़ा शीश मसीह ना का लड़का से उस तो भी एक उसके डब्बे 32 बोर का पिस्टल, 5 जिंदा राउंड 32 बोर से बरामद किए गए। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक युवक को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी हरविंदर सिंह ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टीम की ओर से पठानकोट चौक के नज़दीक नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक्टिवा पर सवार एक युवक जो कि मकसूदा की तरफ से सर्विस रोड पर आ रहा था, वह पुलिस को देख भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक्टिवा को पीछे मोड़ते समय वह गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे उठाया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 510 ग्राम हेरोइन, एक रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए आरोपी की पहचान सौरभ कुमार निवासी अमृतसर के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना 8 में मामला दर्ज कर लिया है, जिसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तो उसी लड़ी के तहत 12 जुलाई को साढ़े इंचार्ज नारकोटिक एसआई हरिंदर सिंह एंड नाल सब इंस्पैक्टर सॉरी मोहन लाल ये पठानकोट रोड के उपर बल्ले बल्ले फार्म एक पैंता है वो नेड़े मौजूद से, तो उत्थे इन्हों
एक स्कूटी के उपर एक नौजवान आता दिखाई दिता जिसनों इन्होंने शक के बिना रोकया जो स्कूटी छड़ के भजन लग्या एंडा जो जो भी उन्हें कैरी बैग से वह लिफाफा से थले गिरया था जिस तू तलाशी कर देते 510 ग्राम जी हैरोइन जी रिकवर हुई प्लस एक बत्तीपुर का जो पिस्टल हैगा वो तो जो काबू किया सर्च के तो बत्तीपुर का पिस्टल एंड प्लस जो लाइव कार्टेज ने 5 लाइव कार्टेज उतो रिकवर तो ये जी उन्होंने 2 दिन का पुलिस रिमांड लैके हम असं डूंघाई पुछगिछ कर रहे हैं कि ये होर कंपनीज कहे है कितों लैके आता से इन्हें हैरोइन प्रोक्योर कितों की है ये कस्टमर कि बैकवर्ड लिंकेज की है फिरोजपुर के सतलुज दरिया के साथ लगते गांव निहाल लाल वीरा धीरा कारा बग्गी वाला सहित कई गांव पानी की मार के नीचे आए जिसके चलते गांव में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दौरा किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ प्रशासनिक अधिकारी बीएसएफ आर्मी के जवान और फिरोजपुर जिले के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजपुर के गांव निहाल लाल वीरा सहित पूरे राज्य में स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी जिसके तहत फसलों के अलावा जिन गांवों में घरों और पशुओं का नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को बीज और धान की पनीरी की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पहले ही विभिन्न विभागों के साथ तालमेल किया जा चुका है, जैसे ही बाढ़ का पानी खत्म होता है खेतों में दोबारा से धान की पनीरी लगवानी शुरू करवा दी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार के सभी अधिकारी सहित सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मुश्किल परिस्थितियों में लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। छतराणा पातरा माइक ऊपर थोड़ा दलाका से आज मैं इधर फिरोजपुर के इलाके जाए जिते जिते भी ज़्यादा प्रभावित है। मैं पहला तो मैं बहुत ही तारीफ करनी चाहूँगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों ने बहुत ही ज़्यादा दस रहे हैं कि 1000 तो ज़्यादा लोगों असी ढाणियों चो कोठिया चो बिल्कुल बाहर लेके आ चुके हैं। और इतें ही मैं कहना कि भारत जिहड़ा गुलदस्ता है कोई तमिलनाडु तो है कोई आंध्रा तो है बिल्कुल कोई तेलंगाना तो है फोन थोड़ा दे कोई यूपी तो है पर दे राजनीति करन दा नहीं टाइम लोकां नूं बचाउण दा जीरी दुबारा ला लांगे पनीरी दुबारा ला लांगे पर जान दुबारा नहीं आ सकदी। सो असीं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों पनसप वालों पन सीड वालों असी थोड़े जरिए मैं दसना चाहना कि असी 3-4 दिन पहले ही असी पौध जी है वो बिजवाती सी यानी कि पनीरी पनीरी की कोई घाट नहीं आऊगी दोबारा जीरी लग सकती है जी। पहला भी अपना जो पुराने टाइम से तो उदो 20-25 जुलाई तो बाद ही झोने लगते होंगे सी जी। सो कोई कमी नहीं आने दी किसी पक्षों भी जिन्हों का माली नुकसान होया उन्होंने भी पूरा मुआवजा दिता जाऊगा तो जानी तो खैर असी चाहते ही नहीं कि हो गए तो उसके वास्ते तो असी सारे हाजिर। संगरूर में घग्गर नदी में आई बाढ़ के कारण पंजाब का हरियाणा से संपर्क टूट गया है जिस कारण लुधियाना हिसार नेशनल हाईवे पानी के चलते बंद हो गया है। खनौरी के नेशनल हाईवे सड़क से पानी पार हो गया है और पानी का तेज बहाव होने के कारण वाहनों का नुकसान भी हुआ है। तो वहीं नेशनल हाईवे पर पानी के कारण लंबा जाम लग गया है। सड़क के दोनों ओर पुलिस बल तैनात किए गए हैं, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और पात्रा शहर में सुचेत रहने की अनाउंसमेंट की जा रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। साथ लहरें बहुत पीछे
ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪਾਤਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਰਾਲੇ ਪਲਟੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿਉ ਵੀ ਖਨੌਰੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों के अनुसार पंजाब जेल विभाग की ओर से पूरे पंजाब राज्य की जेलों में 12 पेट्रोल पंप स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके चलते जिला फिरोजपुर की सेंट्रल जेल में एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री पंजाब हरभजन सिंह ईटीओ द्वारा किया गया, जिसमें सेंट्रल जेल के 3 अच्छे व्यवहार वाले कैदियों और अन्य कर्मचारियों को पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए रखा गया है। इस मौके पर फिरोजपुर शहरी विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, फिरोजपुर ग्रामीण विधायक रजनीश दहिया, जीरा विधायक नरेश कटारिया, गुरुहर सहाय, विधायक फौजा सिंह सरारी, SSP फिरोजपुर भूपेंद्र सिंह, डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर राजेश धीमान, DIG जेल सुरेंद्र सिंह, जेल सुप्रिंटेंडेंट गुरनाम सिंह, प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन चांद सिंह गिल, इंडियन ऑयल के GM प्रमोद जैन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। जड़े भी बंदी ने कैदी ने उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम जी डिवेलपमेंट वास्ते जेलों का कोई फैक्ट्रीज होंदिया ने जेलों के कोई सिक्ख्या प्रोवाइड करनी उन्होंने ओलंपिक्स करवाया ने वास्ते पैसे की जरूरत पड़ी उसके वास्ते पंजाब प्रिजन डिवेलपमेंट बोर्ड जरा बनया सीगा। सो उस लड़ी तहत असं ये 12 फेलर बना रहे हैं और इन तो जो भी इनकम होएगी वो इनकम डिवेलपमेंट वास्ते करती जाएगी जेलों की डिवेलपमेंट वास्ते ते नाल दे नाल जेड़े हैगे ने अंदर बंदी वो ही इनू ऑपरेट करनगे नाल कुछ प्राइवेट जेड़े हैगे ने बंदी वो भी इनू योगदान ये ऑपरेशन के होंगे। सो ये जड़ा डिवेलपमेंट के वास्ते जरा पैसा चाहिए वो पैसा थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है कि पंजाब के हड़ां की स्थिति जी बनी हुई है। साढ़े सारे ही माननीय गवर्नर साहब इस फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने दिन रात मेहनत की हुई है हर थान जाते हैं। मैं भी हूँ इस बाद विजिट कर जा रहा। सो साढ़े माननीय DC साहब सारे जिथे जिथे कल का इन्होंने एक ऑपरेशन भी शुरू किया का, काफ़ी बंदे जड़े ने सुरक्षित थावान के उत्ते पहुँचाए ने जितों तक लाइव स्टॉक्स का संबंध है कैटल उन्हां वास्ते बॉर्डर का प्रबंध किया गया लोगों वास्ते दवाइया का प्रबंध जड़ा किया जा रहा है और असी पानी का लैवल थोड़ा रिसीड होना शुरू हो गया। सो सानू आस आ कि जे हुण अगे कोई बारिश वगैरह ना आई तो ये जल्दी असी संगरूर के खनौरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पंजाब डॉक्टर बलबीर सिंह पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पानी बहुत ज्यादा है जिस कारण हालात बहुत खराब हैं, लेकिन जिला प्रशासन NDRF आर्मी की टीम और वे मौके का जायजा ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मेडिकल विभाग की 14 टीमें बनाई हैं। ऐसे हालात में बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को मेडिकल की हर सुविधा दी जाएगी। बाढ़ के साथ हालात बहुत बिगड़ गए हैं। पहले पटियाला इलाके में हालात खराब हुए थे, वहां पर लोगों को NDRF की टीमों ने जाकर रेस्क्यू किया और अब यहां हालात बिगड़ रहे हैं, जिसके चलते लोगों, पशुओं और उनकी फसलों को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश की जा रही है। नुकसान हुई फसलों का किसानों को पंजाब सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पहुंचो जायजा लेने लिए पहुंचो किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? जेडी जेड़ा ता हाड़ दी गल है, बाढ़ ता बहुत भयानक है, बट जिस तरीके दे नाल जिस जज्बे दे नाल लोग काम कर रहे हैं और NDRF दी टीमां आर्मी और जिला प्रशासन और सारा जो स्टेट गवर्नमेंट है मुख्यमंत्री साहब उन्होंने सारे जिन्हें असं हाँ मंत्री और MLA असी सारे लोगों के बीच हाँ जी 24 घंटे और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू भी किया जाए
और उन्होंने राशन पानी भी पहुँचाया जाए। और मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं हूँ अगला बंदोबस्त किया जिम्मे 14 टीम बनाती से इंडियन मेडिकल एसोसीएशन वालों। बाकी जो सारा सरकारी तंत्र है उन्होंने सारिया दवाइया मुख्यमंत्री साहब ने सू फंड देते हैं, बाद कहते फंड की कोई कमी नहीं आऊगी, जिन्नी मर्जी दवाइया खरीदो, पानी में साफ करने क्लोरीन गोलियां सारिया हर बीमारी का इलाज यह सारा कुछ जोड़ा है असं लोगों के मतलब इतने थोड़ी एंबूलेंस इतने भी आनी शुरू हो जाएगी, ये सारा कुछ असं लोगों को उपलब्ध करावे। एरिया बहुत ज़्यादा जी इतने मेरे ख्याल थोड़े घट्टो घट 30-35 पिंड तो इतनी है जी। पटियाला शहर जो जो नदी के नाल है सारा अर्बन स्टेट जिन्ना वो दोनों पासे जी मतलब बाबा दीप सिंह नगर कोहिनूर इनकलेव जिन्ना फ्रेंड्स कॉलोनी और एकता नगर तो लैके सारे जिन्हें भी ऋषि कलोनी चौरा सारा एरिया डुबया हुआ है जी। उस भी 10-10 फुट पानी से उत्थे भी उन्होंने किश्तियां ही कढ़े से बंदे तो जो प्राइवेट है जिम्मे खालसा एड भी वह भी योगदान पा रही है उन्होंने को जो किश्तियां उन्होंने को बाकी साढ़िया जिन्या धार्मिक संस्थावं है जिन्या NGOs है मतलब साढ़े पटियाले मतलब इतने भी मैंने दसाया भी इदा ही है लंगर की कोई कमी नहीं है उत्थे भी पानी लंगर असं लोगों को बचा रहे हैं और जिनी देर लोगों के अपना सारा सिस्टम ठीक नहीं होता उन्नी देर बचाते रहेंगे। हालात तो देखो जी काबू के ने थोड़े सामने ही है बाकी कंट्रोल दे विच हैगा सारा कुछ इदा दी कोई भी किसी तरह की कोई मैनू आई नहीं खबर के कोई नुकसान होया होवे मालक की कृपा है जी। जे उन्हें मालक नू जो मंजूर सी उन्हें करिया बाकी रखने वाला भी उही मालक है। बाकी जिहड़ी तुसी गल कीती है राशन की तो मेरा हलका है जिहड़ा शुतराणा ये पंजाब ही गुरुआं पीरां की धरती है ये तो लोगों नू लंगर वंडन वाला है इत्थे इतों के लोग कि फिर भुखे रह जाएंगे। देखो जी घर छड़न का किसी का जी करता फिर भी अपने वालों यही कोशिश होंगी है कि कोई परिवार है वह मुसीबत ना हो कढ़ के लिया के किसी चंगी जगह पर बिठाया जाए। कई परिवार के मकाना की कंडीशन जी माड़ी सी उन्होंने असी लैके आए हैं तो जिन्हों के मकान अच्छे ने वो जेड़े लोग ने जिद कर रहे हैं कि असी अपना जोड़ा मकान हैगा नहीं छड़ के जाना पर साढ़े वालों जी कोशिश हैगी है लगातार यही है कि कोई बंदा जोड़ा वो डेरिया के उपर या छत के उपर ना रहे। सो इतने सारे पात्रां दे विच जिहड़े उन्होंने प्रबंध ने वो किए गए हैं और अलग अलग अनाज मंडियां दे विच जिहड़े उच्चे थां ते हैगे ने उन्होंने प्रोपर ढंग दे नाल सारे प्रबंध ने। किरपाल सिंह एंड सन्स अरोड़ा आयरन एंड स्टील रोलिंग मिल ज्योति इंडस्ट्री चावला सेल्स कारपोरेशन के जे स्टील रोलिंग मिल्स के फाउंडर अमरजीत सिंह चावला का गत दिवस निधन हो गया था जिनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला को मुखाग्नि उनके बेटे एक ज्योत सिंह चावला व गगन ज्योत सिंह चावला ने दी। इस मौके पर गुरप्रीत कौर चावला हरविंदर सिंह चावला प्रितपाल सिंह राजू चावला गगनदीप सिंह अरनेजा पवनदीप सिंह सचदेवा मोंटी चावला IRS गिरीश बाली महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद महाराज पूर्व CPS KD भंडारी पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता कैशियर पविंदर बहल उप प्रधान डॉक्टर सतपाल गुप्ता पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता मैंबर नरेश सहगल रवि कक्कड़ उद्योगपति राकेश सब्रवाल हवेली से सतीश जैन उद्योगपति नरेंद्र सिंह सग्गू इनोसेंट हार्ट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अनूप बेरी LPU में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर अमन मित्तल उद्योगपति शांत गुप्ता पेंसिला इंडस्ट्री से उद्योगपति राकेश गुप्ता पूर्व जिला प्रधान सुभाष सूद पूर्व मेयर जगदीश राज राजा अमरजीत सिंह अमरी SP जूलर से रमन जैन उद्योगपति गुरुशरण सिंह तरसेम कपूर ललित मित्तल एडवोकेट गुलशन शर्मा सहित राजनीतिक धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।